दिस इज अनन्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी कुड़ी। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। ये त्योहार भगवान सूर्य के आराधना का पर्व है। इसमें कहीं तिल गुड़, गजक और लड्डू की मिठास है तो कहीं रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस त्योहार के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है। हर तरफ रौनक और त्योहार का सा माहौल है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं इस त्योहार की कुछ झलकें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस दिन को उत्तरायण या मकर संक्रांति भी कहते हैं। आज के दिन नदियों में स्नान करने के अलावा दान का भी महत्व है। सुबह सुबह उत्तरायण का माहौल देखने हम जा पहुंचे हैं ताप्ती नदी की ओर। यहां भक्तों ने सुबह सुबह माँ ताप्ती में स्नान किया व मंत्रों का जाप किया। यह है बुरहानपुर शहर का पतंग बाजार। यह सचता है राजपुरा गेट और पाला बाजार में। बाजार में एक से बढ़कर एक पतंगों की भरमार है। जहां तक नजर जाती है वहां तक रंग बिरंगी तरह तरह की पतंगे नजर आती है। बच्चों और युवाओं का उत्साह तो देखते ही बनता है। कहीं कोई झालर वाली पतंग और मांझा पसंद कर रहा है तो कहीं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रिंट वाली पतंगों की डिमांड कर रहा है। 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की पतंग दुकान पर बिक रही है। तो गाइस पतंग भी तैयार, चरखी भी तैयार और हम भी तैयार। तो चलो उड़ाते हैं पतंग, लेट्स गो। आसमान में अलग ही जंग देखने को मिल रही है। सभी एक दूसरे की पतंगों को काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक एक ही नजारा और एक जैसी आवाजें सुनाई दे रही है। इस त्योहार की यही तो खास बात है कि इसे हर मजहब के लोग बेहद उत्साह से परिवार के साथ मनाते हैं। जहां पतंगबाजी का अपना अलग ही मजा है वहीं इसका दूसरा दुखद पहलू भी है। हर साल मकर संक्रांति के समय कई मूक पक्षी चाइना धागे से घायल हो जाते हैं और असमय ही मर जाते हैं। देखो ना, पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और जैसे जैसे रोशनी हल्की होने लगी तो हमने जला दी कैंडल यानी स्काई लैम्प और बढ़ा दिया नीले आसमान की ओर। ऐसा लग रहा है जैसे धरती का कोई चांद ऊपर जा रहा है। सो गाइस हमने इतनी पतंग उड़ाई, कुछ काटी और कुछ कटवाई भी और बहुत मजा आया। एंड आई होप आपको भी इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।